Hi, Vijayapati. This is your educator Shubham Pathak, and I have come live to tell you about the important questions of the chapter Socialism and the Russian Revolution. Hi, Abhishek. Hi, Sidhu. Hello. Hi, Udayveer. Good afternoon. Hi, Ria. How are you? Good afternoon. Hi, AA. Tanishka. Divyanka, Ankit, Agarwal, surname पहले लिखा हुआ है. Hi अक्षय शर्मा. Hi दिनेश. तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि आज हम यहाँ लाइव इसलिए आए हैं क्योंकि हमें सोशलिज्म एंड द रशियन रेवोल्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना है, क्योंकि 6 को आपका एग्जाम है. कोई टिप्स जरूर, टिप्स तो दी है मैंने अपने चैनल पे, दी है टिप्स, पेपर कैसे कंप्लीट करना है टाइम पे. वॉट इज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, 1 साल से कम के बच्चे का क्या डेथ रेट है इन कंपैरिजन टू द लाइव बर्थ, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. चलो तो सोशलिज्म एंड द रशियन रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ. सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चा कि डेमोक्रेट्स और लिबरल्स के बीच का क्या डिफरेंस है. तो डेमोक्रेट्स और लिबरल के बीच का डिफरेंस है कि डेमोक्रेट्स को जो है वोटिंग राइट सबके लिए चाहिए, लेकिन लिबरल्स को वोटिंग राइट यूरोप में चाहिए था सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन के लिए, तो वहां पर वो चूक गए, उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहिए था. फिर आप रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच का बेसिक डिफरेंस जरूर याद कर लीजिएगा सोशलिज्म में. उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रशिया में क्या प्रभाव पड़े, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन रशिया और इन यूरोप बेसिकली, वो लिखना है. उसमें आपको लिखना है देयर वाज नॉट प्रॉपर सैनिटाइजेशन, पीपल यूज्ड टू लिव इन स्लम्स, यू नो मेन वेमेन एंड चिल्ड्रन वर वर्किंग, देयर वाज चाइल्ड लेबर, दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, द वेजेस वर रियली लो, स्टिल देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ दैट. देन यू हैव टू राइट अबाउट वॉट इज सोशलिज्म. नाउ ये क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को तंग करता है. सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म एक सोचने का तरीका है, एक थ्योरी है जो ये कहता है कि सोसाइटी में ज्यादा, अगर हम सोसाइटी की प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ना रखे, अगर सब में बांटेंगे, सोसाइटी की ओनरशिप होगी और इंडिविजुअल्स की ओनरशिप नहीं होगी, तो फिर सबका भला होगा. मैं कितनी क्यूट हूं, चुप रहो अभी. तो सबका भला होगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों का भला होगा. तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से उठ के हमें सोशल प्रॉपर्टी की तरफ जाना है. इसके लिए उन्होंने सोसाइटी में सॉल्यूशन भी दिया है इस प्रॉब्लम का, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि सब लोग मिलकर प्रोडक्शन करें और फिर मिलकर प्रोडक्शन करके प्रॉफिट को डिवाइड कर ले तो सबका भला होगा. अभी जो कम्युनिज्म है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया था, उसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि उन्होंने ओवरऑल सोसाइटी के बारे में नहीं दी अपनी राय, उन्होंने दी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में. तो उन्होंने बोला क्योंकि इंडस्ट्रीज प्रॉफिट कमा के देती हैं और इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओनर्स ओन करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट जो है सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों का होता है. कैपिटलिस्ट का मतलब अमीर लोगों का होता है. और उन्होंने बोला कि अगर यही प्रॉफिट, मतलब यही पूरी मींस ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री बनाने के प्रोडक्शन के मेथड जो है वर्कर्स ओन करेंगे, तो फिर सबका भला होगा. तो उन्होंने सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली कंसाइज करके इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लगा दिया. अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रशिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, मतलब इनिशियल 19th सेंचुरी का आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस बताओ. तो इकोनॉमिक में आप लिख दोगे कि 85% जनता जो थी वो एग्रीकल्चरलिस्ट थी और इंडस्ट्रीज पॉकेट वगैरह में थी, और पेजेंट्स जो है कम्यून में क्या करते थे, कम्यून में खेती करते थे. और सोसाइटी का आप लिख दोगे कि वर्कर्स डिवाइडेड थे और मेटल वर्कर्स अपने आप को एरिस्टोक्रेट कंसिडर करते थे, औरतें दुखी रहती थी ब्रेड की शॉर्टेज से, ब्ला ब्ला ब्ला. पॉलिटिक्स में आप लिख दोगे कि सोशलिज्म पॉलिटिक्स में धीरे धीरे आ गया था, सोशल वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बन गई थी. इनफैक्ट बाकी यूरोप के देशों में भी, ब्रिटेन में, फ्रांस में भी लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी नाम की पार्टीज बननी शुरू हो गई थी. तो ये तो हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वुड बी कि रशिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ. तो रशिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ भाई, पिटाई लगी खूब सारी ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से, इंडस्ट्रीज लूट गई, रेलवे लाइन ब्रोकन अवे हो गई, खेत के खेत उड़ गए बॉम्ब से, और लेबर की शॉर्टेज हो गई, एबल बॉडीड मैन मर गए, ब्रेड की शॉर्टेज हो गई और औरतें ब्रेड शॉप्स पे स्ट्राइक करने लग गई. खूब पिटाई लगी. लेकिन फिर भी लास्ट में यूएसए की एंट्री के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि यूएसए रशिया की साइड से था, तो रशिया जीत तो गया.
लेकिन फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बच्चा ब्लडी संडे क्या होता है और क्यों हुआ। तो ब्लडी संडे हुआ था क्योंकि वर्कर्स रशिया के दुखी थे, उन्हें चाहिए थे ज्यादा पैसे और उन्हें चाहिए थे कम वर्किंग आवर्स और उन्हें चाहिए थी बेटर कंडीशंस। ये तीन चीजें थी जो उन्हें चाहिए थी और उन्हें जब नहीं मिला तो वो प्रोटेस्ट करने चले गए 110,000 वर्कर्स फादर गेपॉन की लीडरशिप में, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ उसका, 100 वर्कर्स मारे गए। लेकिन लास्ट में रिजल्ट अच्छा निकला, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्लडी संडे। तो आप राज का रिजल्ट लिख सकते हो कि ड्यूमा बना, लेकिन ड्यूमा से भी कोई फायदा नहीं हुआ, राजा साहब बार बार ड्यूमा चेंज कर देते थे, है ना, क्योंकि उन्हें अपनी पावर में कोई कमी ही नहीं चाहिए थी। तो ये हो गया आंसर। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बीच का डिफरेंस आ सकता है। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन वर्कर्स ने किया था, अक्टूबर रेवोल्यूशन आपका बोल्शेविक्स ने किया था प्रोविजनल गवर्नमेंट गिराने के लिए। तो ये दोनों रेवोल्यूशन क्यों हुए थे और इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, ये भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल थीसिस सबसे इजी क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में आता है। अप्रैल थीसिस जब भी आए 3 मार्क्स में आपको पहले लिखना है कि वो अप्रैल 1917 में वाल्दमार लेनिन ने दिया था और उसमें तीन चीजें बोली थी कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दो, रशिया को बोलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वापस आ जाए, और ये लैंड कब से पेजेंट्स मांग रहे हैं यार, इनको पेजेंट्स को जरा लैंड दे दो, राइट। इसके बाद सिविल वॉर पे क्वेश्चन आ सकता है, भाई रशिया तो सिविल वॉर में तो मतलब क्या लड़ाई हुई, रेड ग्रीन व्हाइट तब लड़ रहे हैं, मतलब व्हाइट का मतलब प्रो जार वाले लोग जिन्हें राजा साहब वापस चाहिए थे, ग्रीन का मतलब आपके मोस्टली पेजेंट्स, और रेड का मतलब बोल्शेविक्स के सपोर्टर, लेकिन उसमें भी बोल्शेविक्स जीत गए। लास्ट टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वुड बी बचा कि रशिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया, बोल्शेविक्स ने क्या क्या किया। तो बोल्शेविक्स का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब साथ में आ जाए तो आपको लिखना है सेंट्रलाइज प्लानिंग के बारे में, 5 ईयर प्लानिंग प्लान्स के बारे में, चीप हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में, वर्कर लिविंग क्वार्टर्स के बारे में, एक्सटेंडेड एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलेक्टिवाइजेशन किसने किया था और उसका क्या 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 असर रहा। तो उसमें आप लिख दोगे कि स्टालिन ने किया था कलेक्टिवाइजेशन और चाहते थे कि वो फूड की शॉर्टेज खत्म हो जाए, लेकिन वो लोगों पे इम्पोज कर रहे थे, कुलक्स की पिटाई लगा के उनसे क्रॉप्स ले रहे थे और कुरक बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों की डेफिनेशन भी याद कर लेना। और लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं, फमीन फिर भी आया, बहुत रिप्रेशन भी हुआ इसके लिए, पूरी दुनिया ने रशिया की पिटाई भी लगाई, डाटा भी कि रशिया यार तुम क्या डेमोक्रेसी की बात करते हो, तुम क्या रेवोल्यूशन की बात करते हो, अपने लोगों पे तो तुम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते नहीं हो, सेंसरशिप लगाते रहते हो, है ना। तो ये सब हुआ। एक क्वेश्चन कभी कभी कई स्कूल्स में ये भी आ जाता है बच्चा कि रशिया ने बोल्शेविक्स ने सोशलिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए दुनिया में क्या क्या किया। तो उसमें आप कॉमिंटर्न के बारे में लिख देना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी बोल्शेविक्स और सोशलिज्म के लिए। उसमें आप कॉन्फ्रेंस के बारे में लिख देना, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें आप लिख देना कि कॉलोनीज को वो लोग बोलते थे कि तुम तो रेवोल्यूशन करो, उसमें बोल देना कई कई कंट्रीज ने उनसे वो भी लिया, प्रेरणा भी लिया, जैसे ब्रिटेन ने लिया और कम्युनिस्ट पार्टी बना डाली। उसमें आप लिख दीजिएगा कि यूनिवर्सिटीज खोली, स्कूल्स खोले जहां पे सोशलिज्म पढ़ाया जाता था, कम्युनिज्म पढ़ाया जाता था, इस तरीके से पॉपुलराइज करने की कोशिश की। फिर भी 20th सेंचुरी के आते आते जितना पॉपुलर होना चाहिए था सोशलिज्म उससे थोड़ा चूक गया, राइट। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशलिज्म इन रशिया, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव, और बहुत ही जल्दी मैं एक डाउट सेशन करूंगी। थैंक यू, आई एम फीलिंग वेरी वेरी नाइस टुडे। शानू में पिटाई जरूर लगाऊंगी तुम्हारी। कल मेरा SSC का एग्जाम अच्छा गया, आई एम सो ग्लैड, सो ग्लैड। ठीक है, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने 5 मिनट में कर लिया है रिवाइज, और ऐसे ही और चैप्टर्स का आपको चाहिए हो तो मैं जल्दी ही कर दूंगी। और डाउट सेशन में, हाँ एक डाउट सेशन रखने का जरूर सोच रही हूँ, तो वो रखते हैं जल्दी से, जैसे ही मैं क्लासेस से थोड़ी फ्री होती हूँ, प्रॉब्ली कल या परसों, मैं आपको जरूर बता दूंगी, यही इंस्टाग्राम पे एक दिन पहले बता दूंगी। तो सी या, थैंक यू सो मच, बाय बाय।